भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के सीएम ने पूछा सवाल, कौन है शाहरुख खान। रात 2 बजे बजी सीएम सरना के फोन की घंटी। फोन लाइन पर बात कर रहे थे खुद किंग खान। जी हाँ, बीते दिनों ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से पठान कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल किया गया था, तो शर्मा ने ये कहकर अपने जवाब से सभी को चौंका दिया था कि शाहरुख खान कौन है, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ना ही उन्हें पठान फिल्म के बारे में कुछ पता है। हेमंत बिस्व शर्मा के इस चौंकाने वाले बयान के अगले ही दिन शाहरुख खान ने कुछ ऐसा किया कि इस बार खुद असम के मुख्यमंत्री चौंके बिना नहीं रह पाए। शाहरुख ने अपने ही अंदाज में असम सीएम को उनके सवाल का जवाब दिया है, जिसका जिक्र खुद शर्मा ने एक ट्वीट में किया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि सब जानते हैं कि 25 जनवरी को शाहरुख खान की मोटिवेटेड फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है। लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, तो पठान के पर्दे पर आने और छाने का इंतजार उनके फैंस भी बेसब्री से कर रहे हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने जा रही पठान को लेकर जहां एक तरफ सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। बीते दिनों असम में भी कई जगहों पर फिल्म के विरोध के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी के नरिंगी में एक सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ कर दी थी और फिल्म के पोस्टर भी जला दिए गए थे। हिंसा की इन घटनाओं के बाद जब गुवाहाटी में मीडिया रिपोर्टर्स ने सीएम सरना से इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात की थी, तब मुख्यमंत्री ने चौंकाने वाला बयान देकर कहा था कि शाहरुख खान कौन है, मैं उनके या फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके साथ ही शर्मा ने कहा था कि खान ने मुझे कोई फोन नहीं किया, जब भी कोई परेशानी आती है तो समय समय पर कई बॉलीवुड सितारे मुझे फोन करते हैं। अगर खान मुझे फोन करते हैं तो मैं इस मामले को गंभीरता से देखूंगा। अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई है तो इस पर एक्शन होगा और केस भी दर्ज होगा। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद सीएम शर्मा ने भी नहीं की होगी। शाहरुख खान ने रात 2 बजे असम के मुख्यमंत्री को फोन घुमा दिया और फिल्म पठान के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात की और अपनी चिंता जाहिर की। इस बात का खुलासा खुद सीएम शर्मा ने एक ट्वीट करके किया है। शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने आज सुबह 2 बजे बात की। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में एक घटना के बारे में चिंता व्यक्त की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। अब खुद असम के सीएम ने शाहरुख खान को आश्वासन दिया है कि असम में पठान के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लगाम कसी जाएगी। इसी बीच दर्शकों में पठान की रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट लेवल भी काफी हाई है। बताया जा रहा है कि फैंस की डिमांड पर मेकर्स ने फैसला किया है कि कुछ सिनेमाघरों में पठान का पहला शो सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।